पालटा कलर। अभी सुबह सुबह ऑफिस का टाइम है जनाब, और जा रहे हैं जनाब अपने अपने काम पे। अरे मुझे बढ़िया सी आ रही है। दिस इज़ योर यूनिफॉर्म और जस्ट यू ड्रेस एनी हारी जुम्मा डीटा मसाला एनी आप आपा बाजू ये और दिस इज बाजू बिकॉज हारी ही नहीं एनी ओला रागा हारी जुम्मा माशाल्लाह। अच्छा जी, जुम्मे वाले दिन इनके तमाम हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो ओला रागा करता है यानी एक्सरसाइज करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम बैक। मसाद सीट बेल्ट ला जा बस का टाटा क्रेसी वाली सीट बेल्ट पाके। फेसबुक के ऊपर एक घर इनको नजर आया है, मेरी वाइफ को तो घर इनको बड़ा पसंद आया, कहती है ऐसा घर जो है ना मॉडल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दो और थोड़ा सा फिर सब्र रखो क्योंकि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें ऐसा घर बना के दे सकता हूँ इजीली। और अगर मैं आज भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि सबसे नंबर वन पे मेरी बीवी जो है माशाल्लाह वो सरकारी मुलाजिम है। और आपको शायद ना पता हो कि इंडोनेशिया का जो पासपोर्ट है वो सरकारी मुलाजिम के लिए अलहदा होता है और इसके अलावा जो लोकल यानी प्राइवेट हैं मुलाजिम उनके लिए रहता होता है, सरकारी वालों के लिए बाकायदा चिप वाला पासपोर्ट होता है। और उसके ऊपर जापान तक का वीज़ा अराइवल है, मे भी हो सकता है, मैंने चेक नहीं किया ऑस्ट्रेलिया का भी वीज़ा ऑन अराइवल, अगर ऑन अराइवल नहीं भी हो तो इसको वीज़ा इजीली दे देगा। तरतीब ये होती है कि जिस तरह मैं इनका शौहर हूँ, मैंने इनसे शादी की है यहाँ पर और ये वैसे सरकारी मुलाजिम हैं तो मेरा जो है वीज़ा इजीली लग सकता है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, जितने भी यूरोप कंट्रीज़ हैं आराम से लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो एम्बेसी अगली देखती है कि हाँ यहाँ की खातून है और वो भी सरकारी मुलाजिम है, ये तो हो नहीं सकता कि कोई बंदा अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के वहाँ जाए और वहाँ रहना शुरू कर देना। उनको डर इसी चीज़ का होता है कि बंदे यहाँ पर आके रहना ना शुरू कर दें, वो विजिट वीज़ा देते हैं कि आओ और जाओ, लेकिन इस हवाले से उनको कन्फर्मेशन हो जाती है कि ये जो है यहाँ पे रहने तो नहीं आई, सिर्फ घूमने आई है और मैं इनके साथ चला जाऊँगा क्योंकि मैं इनका शौहर हूँ तो ये मेरा वीज़ा इनके पासपोर्ट के बिहाफ पे अप्लाई होगा। तो ये तरीका कार है और मुझे भी आसानी से वीज़ा मिल जाएगा, मेरे पासपोर्ट के ऊपर लगेगा लेकिन पासपोर्ट इनका आगे होगा, मेरा पासपोर्ट जो है जो ग्रीन पासपोर्ट है वो पीछे पीछे होगा। तो ये मुझे वहाँ छोड़ के वापस आ सकती हैं, मैं वहाँ स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, मैं वहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि वहाँ रहने के लिए मैं साइलम डालूँ, वो तो डालने की ज़रूरत नहीं है। खैर मेरी इतनी अप्रोच है वहाँ पे कि मैं अपना यानी कि स्टडी वीज़ा लगवा सकूँ। तो कहने का मकसद है कि काफ़ी सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, कहते हैं 40 लाख दे दो, 30 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, तो वो जो है ना तरीक़ाकार यही है सबसे आसान तरीका। अगर आप जाना चाहते हैं आप इंडोनेशियन खातून से शादी करें, आप 2-3 महीने 6 महीने 5 महीने यहाँ पे गुजारें, आप इज़्ज़त से रहें, आप उसको भी ले जाओ खुद भी चले जाओ, उसकी भी लाइफ बन जाएगी आपकी भी लाइफ बन जाएगी, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो मैंने इनको इसलिए कहा कि अगर तुम्हें ऐसा घर इंडोनेशिया में चाहिए तो मुझे वहाँ छोड़ाओ, इंशाल्लाह 5 महीने के अंदर अंदर आपको इंडोनेशिया में तकरीबन 1 मिलियन का यानी 2 करोड़ रुपये का घर तैयार रेडी मिलेगा क्योंकि वहाँ पर जो इनकम है कमाई है मुझे अच्छे से पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं जस्ट विज़िट कर रहा हूँ, रहना नहीं है, वहाँ पे बेस कंट्री इंडोनेशिया ही रहेगा, लेकिन ये है कि वहाँ बंदा जाके काम करके पैसे शैसे अच्छे खासे कमा के फिर वापस आ जाता है इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशिया जैसा तो कंट्री कोई नहीं है। मुझे इंडोनेशिया बहुत पसंद है और ये तरतीब है असल में। और मुझे जिस टाइम मैं इंडोनेशिया में आया था तो मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं था कि यार कैसा मुल्क है, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं। मैंने रिसर्च की ऑनलाइन, नेट पे चेक किया, 2 साल मैंने रिसर्च की इनके साथ, मैं आया ही इनसे शादी करने के लिए था। सही बताऊँ मुझे कुछ पता नहीं था पासपोर्ट क्या होता है, क्या वैल्यू है इस चीज़ की। और लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह शादी की है तो वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं हमारे इंडोनेशिया में और हमें फिर महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमने इंडोनेशिया आकर कोई गलत फ़ैसला नहीं किया था। हाँ हमें
इसका टाइम के ऊपर रिवार्ड नहीं मिला, यानी कि फौरन रिवार्ड नहीं मिला कि जिस तरह आप दुबई जाते हैं फौरन आपकी नौकरी लग जाती है और आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, और ये एक चीज़ है टेम्परेरी। लेकिन इंडोनेशिया के अंदर जो आप रहते हैं, आप जितना ज़्यादा रहते हैं उतना ज़्यादा आपको पता चलना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इंडोनेशिया में जॉब का वीज़ा नहीं मिलता या आपको जॉब नहीं मिलती, आप इंडोनेशियन खातून से शादी करते हैं, पहला साल गुजरता है आपका कितास लग जाता है, दूसरा साल वही कितास एक्सटेंड हो जाता है, जैसे दो साल पूरे होते हैं पाँच साल का इनका आईडी कार्ड मिल जाता है। अब आधी तो इंडोनेशिया की नेशनलिटी आपको मिल गई यहाँ पर। अब जब आपके पास कार्ड होगा, आपका जो है इलाज फ्री होगा इंडोनेशिया के अंदर, बड़े से बड़ा ऑपरेशन फ्री होगा, ठीक हो गया। अगर आपकी बीवी सरकारी मुलाजमा है तो उसकी तनख्वाह में से परसेंटेज आपको भी देंगे, यानी कि अगर इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी तनख्वाह है 6 लाख रुपए महाना पाकिस्तानी, उसमें से 50,000 रुपए मुझे लाजमी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सरकारी मुलाजमा है, मैं यहाँ रजिस्टर्ड हूँ और मेरी यहाँ पे कुकू निकाह है प्रॉपर तरीके से बनी हुई, तो उसमें से पैसे वो मुझे भी मिलेंगे। तो ये तरतीब है, ये तरीक़ाकार है। आप ऐसा नहीं है कि आप इंडोनेशिया में आते हैं, दो दिन रहते हैं, चार दिन रहते हैं, उसके बाद यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप ये चीज़ देख रहे हैं, टेम्परेरी चीज़ देख रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस करें। आप ये नहीं देख रहे कि इंडोनेशिया आने वाले वक्त में आपको क्या कुछ देगा और ये इंडोनेशिया कितनी तरक्की में जा रहा है डे बाई डे के हिसाब से, आप लोग ये चीज़ नहीं देखते। अब मलेशिया में एक बंदे ने 17 साल लगाए हैं, मेरा उनसे कंटेक्ट हुआ था, कहते भाई मैंने 17 साल लगे। अच्छा, मैं माशाल्लाह। तो वो ब्रदर जो है ना, वो फेरी का काम करते थे मलेशिया में, इलीगल थे। अच्छा, वो पाकिस्तान चले गए, फिर उन्होंने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई कि मैं इतने अरसा जो है ना मैं मलेशिया में रहा हूँ। तो मैं क्या, काश अगर आप उस वही अरसा इंडोनेशिया में रहते तो 5 साल के अंदर तो आपको पासपोर्ट मिल जाना था। आपको पता है फेरी का काम तो अलाउ नहीं होता, तो वो चोरी छुपे करते थे, तो उन्होंने उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया था ना मलेशिया से। तो मैं यही उनको बोला कि अच्छा चले, आप चोरी छुपे इंडोनेशिया में 5 साल काम करते फिर भी आपको पासपोर्ट मिल जाना था, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत से दे रखते, बंदा गुजारा चला ही रखता है, गुजारा ही चलाना होता है। तो जैसे जैसे आपको टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे, जिस तरह की नई दुल्हन जब शादी होकर उसकी जाती है ना मेके में यानी ख़ानदान में, जिस तरह आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि जब नई नई लड़की जो है उसकी शादी होती है किसी ख़ानदान में, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना वैसे वैसे उसकी इज़्ज़त बढ़ती जाती है, हालांकि वो बूढ़ी हो रही होती है, हालांकि वो यानी कि यूँ समझे कि वो जवान नहीं रहती उस टाइम पे, हालांकि उसका यानी कि, लेकिन फिर उसकी इज़्ज़त ज़्यादा बढ़ती जाती है। और इंडोनेशिया में भी यही है, जैसे जैसे आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम रहना शुरू कर देंगे, यानी जितना लंबा अरसा यहाँ पर गुजारेंगे वैसे वैसे जो है आप लोगों की इज़्ज़त भी बढ़ती जाएगी और आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। हूँ मसात तू दस हूँ मसात तू दस ऑस्ट्रेलिया घिन के यस ब्रिंग मी ऑस्ट्रेलिया और नो हाँ अप टू यू नो यू नो क्राइंग आई गो टू ऑस्ट्रेलिया हम I think you're not miss me, not miss not you with crying. Me. Not crying. Kalau you married, ya crying lah. New married. Oh, tapi no new married, no crying. Passport Indonesia. Bisa go to Australia or no? Can lah, maksud no can. Any your friend go or no? How much money? Like you can tell with my viewers. Because any from the Pakistan any. Agent too much charge money, you understand? Any 200 juta for Australia? 100 juta? Yeah, 200 juta for Australia done base. 100 juta deposit my lad ini akun bank. Okay, yes. Yeah, ini 3 months no can you 3 lah 3 months no can you out okay. But I think you no need bank statement because can you working any government job? Yeah, you just need letterhead here from the job. You can easily apply. Your bank statement is also strong. Every month, like every month, your transaction, your salary coming. Yes, the same like maybe 5 lima puluh juta cukup. Yes, agar 10 lakh bhi inke account mein dalo, वैसे तो पढ़े ही होते हैं, मसला नहीं है। लेकिन अगर 10 लाख भी इनके अकाउंट में डाल देना हम लोग,
तो भी इजीली इनको वीज़ा मिल जाए, क्योंकि सरकारी बंदे के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं होती। आप लोग भी अच्छी तरह समझते हैं, पाकिस्तान में भी यही हिसाब है। लोगों को तरतीब बताता हूँ शुरू से, ठीक है, दोबारा सुने। आप इंडोनेशिया में माइंड बना के इंडोनेशिया रहने के लिए, कारोबार करने के लिए आप इंडोनेशिया में आते हैं, आप 6 महीने या साल रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है आपने बैंक अकाउंट तो खुला नहीं है अपना, आप बैंक अकाउंट भी यहाँ पे खुला लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा पक्का माइंड लेके आता है आगे जाने के लिए, यहाँ का 2 साल का इन्वेस्टर वीज़ा ले या फिर यहाँ पे शादी करें, 2 तरीके हैं। इंडोनेशिया ख़त्म से शादी कर लें आप ईमानदारी से, मुखलिस तरीके से और अच्छी नीयत से, क्योंकि तमाम अमाल का दार मदार नीयत पे होता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, बेहतरीन है, तो इंशाल्लाह आपको आप वहाँ से कामयाब, आपको रुकावट कोई नहीं आएगी यहाँ तक इंडोनेशिया तक पहुँचने। अगर वहाँ से ही आपकी नीयत ख़राब है कि मैं जाऊँगा शादी करके ऑस्ट्रेलिया पहुँच के उसको लात मार दूँगा, तो आप यकीन माने अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं फैसले। आप उधर एयरपोर्ट पर ही आपको किसी ने नहीं आने देना। कई ऐसे लोग ख़राब नीयत लेके आए थे और बेचारे इंडोनेशिया में एंटर ही नहीं हो सके, हालाँकि बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे थे। सो सबसे पहले आप अपनी नीयत अच्छी करें, उसके बाद जो है नेक नीयत के साथ आएँ, मुखलिसाना तरीके से आप निकाह करें, आप शादी करें, आप 2-3 महीने रहें। अगर आपको जो है ना यहाँ पे आकर आपका दिल नहीं लगता, आप चाहते हैं कि आप जाएं किसी अच्छे कंट्री में, यूरोप में आपका ख्वाब है, आपका शौक है, शौक होता है लोगों का, नहीं लालची कोई भी नहीं है आज के दौर में, खाना हर कोई खा के सोता है, ठीक है, अमीर ने भी वही रोटी खानी है, गरीब ने भी वही रोटी, ऐसा नहीं है, कोई लालची नहीं है, आई नो, लेकिन यह है कि वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाना चाहता है कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा हो, मैं फैमिली को सपोर्ट करूँ, मैं सबको सपोर्ट करूँ, तो वो जो है इस नियत से वो जाए। बेशक वो खातून इंडोनेशियन खातून को साथ ले जाए, वो भी कमाएगी, वो भी कमाएगा, दोनों काम करेंगे, क्योंकि लड़कियाँ यहाँ बहुत अच्छी काम करती हैं और यहाँ पर यह चीज़ कॉमन है। आप जब आएँगे आपको महसूस नहीं होगा कि यार आपकी बीवी काम कर रही है, क्यों, क्योंकि उनको छेड़ेगा कोई नहीं, यहाँ पे मर्द अपने काम से काम रखते हैं, कोई नहीं छेड़ पाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। अगर वो काम भी कर रही हो ना, अगर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, आप अपनी को करो, दोनों का फ़ायदा है इसमें। उसमें तरीका कार क्या है, आप खातून के साथ निकाह करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएंगे, बुकू निकाह बनेगी आपकी, ठीक है, बुकू निकाह बना के आप जो है वाइफ का स्पॉन्सर वीज़ा लेंगे, यानी कि 1 ईयर का वाइफ की ताश लेंगे। आपके पास 15 लाख रुपया है, आप चुप करके अपना बैंक अकाउंट खुलाएं, जबकि दास लग जाएगा, आप वो 15 लाख अकाउंट में डाल दें, इसके ऊपर जितने पैसे हैं आप 3 महीने तक निकालते डालते रहें, इसके ऊपर जो आपके अखराजात ये चीज़ें, वो 15 से 20 लाख रुपए आप डिपॉजिट रखें। इंडोनेशियन 100 मिलियन मैक्सिमम है, यानी 20 लाख रुपये डिपॉजिट करना होता है, ठीक है, वो डिपॉजिट रखें, 3 महीने के अंदर आपको 100% डन बेस पर वीज़ा मिल जाएगा। ये है डन बेस, ये जो आप लोग एजेंट कहते हैं ना कि हाँ भाई मैं 40 लाख में डन बेस पे करा के देता हूँ, ये इंडिया में ज़्यादा काम हो रहा है, वो यही काम करते हैं। आज भी जकार्ता में कई ऐसे इंडियन ठहरे हुए हैं जिन्होंने डन बेस के ऊपर आए थे और ऑस्ट्रेलिया जाना था, वो 3 महीने, वो प्रोसीजर यही है, उन्होंने 3 महीने यहाँ ठहरना है, जकार्ता में होटलों में रुकना है, इन्वेस्टर वीज़े सब के कराए हुए हैं और एजेंट लोग जो है उनकी ट्रांजेक्शन बना रहे हैं, अकाउंट में पैसे डाले हुए हैं उनके डन बेस पे, कितना 40 लाख एक बंदे से ले रहे हैं, ठीक है, आप वो 40 लाख वो एक बंदे से ले और 10 बंदे भी हैं तो कितना बनता है, तकरीबन 3-4 करोड़ भी बन जाता है, ठीक है। अब वो एजेंट के पास, एक बंदे के पास 3-4 करोड़, क्या वो 20-20 लाख रुपए का बंदे के अकाउंट में नहीं डाल सकता 3 महीने के लिए स्टेटमेंट बनाने के लिए, और वो भी उसने बाद में निकाल लेनी है। तो ये तरतीब है मेरी जान, ये तरीक़ाकार है। अगर आप लोग ख्वाहिशमंद हैं, आप ख्वाब देख रहे हैं ना जाने के, तो फिर सबसे पहले आप इंडोनेशिया आओ, पहली सीढ़ी इंडोनेशिया है। ये चेक करें, आप लोगों की भाभी भी शामिल है इनमें, और ये एक्सरसाइज हो रही है इंडोनेशिया की। गाइस अभी आज फिर जो है पुलिस स्टेशन में मौजूद है इंडोनेशिया के, और खाना जो है ये नाश्ता है जनाब, घर से काफ़ी दूर था सो यही गुजारा करना पड़ रहा है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। अभी मैं बैठा हूँ इधर, एक कंटीन है छोटी सी, बल्कि छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी कंटीन है, ये चेक करें लोग, और लोग भी खाना खा रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन की अलग कंटीन बनी हुई है,
और यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं। काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फाइनल हो चुका है तकरीबन, और इंशाल्लाह बाकी जितने भी लड़के मेरे खिलाफ़ वीडियोस वगैरह बना रहे थे ना, जिन्होंने बेबुनियाद वीडियोस वगैरह बनाई, इंशाल्लाह ये सब एकदम से इनको पता चलेगा इंशाल्लाह कि इनके साथ क्या हुआ है, अलग है हमसे। बस आज फाइनल काम था वो करा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्लेरिफिकेशन सारी कराई है। ओके ओके यू सो अभी हम लोग जा रहे हैं जी, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं तिगराकसा पुलिस स्टेशन के अंदर, साइबर के दफ्तर वगैरह हैं, दफातर वगैरह और भी काफ़ी सारे यानी कि दफातर हैं यहाँ पे, और मेरी वाइफ जो है वो यहीं काम करती है पास इन इसके साथ ही एक और ऑफिस है वो यहाँ पे काम करती है। अभी मस्जिद में नमाज़ के लिए आए हैं हम लोग, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ हो चुकी है और हम जो है ना वापस आ रहे हैं। आओ चले तंगरंग का थाना है, पुलिस स्टेशन है माशाल्लाह, बड़ा काफ़ी खूबसूरत पुलिस स्टेशन है गाइस, और यहाँ से गुजरना है जाना है, इनको मैंने कार्ड देना है। हेलो हाउ आर यू, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू, थैंक यू। व्हाट इज़ योर नेम? मैरी। मैरी एंड यू? माय नेम इज़ किस्तारी। इस्तारी, इस्तारी। ओह थैंक यू सो मच। ये क्या इतना बड़ा सर लगा देती है, नीचे से छोटा सा धड़ लगा देती है। हो गया मौसम बहुत अच्छा है। ये चेक करें गाइस ये पत्ते किस तरह गिर रहे हैं, किस तरह खूबसूरत लग रहे हैं गाइस। हमारी तरफ से तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को जुमा मुबारक हो, और इंडोनेशिया में 12 बजे जुमा हो जाता है, 12:30 बजे तक फिनिश होता है, 12 बजे स्टार्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ लिए। और एक ख़ास हमारी मेहमान हैं जो पाकिस्तान से आ रही हैं और उनको रिसीव करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों से भी मिलवाएंगे अगले व्लॉग के अंदर। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगले व्लॉग में एक बहुत ही ख़ास हमारी मेहमान हैं जो कि खातून हैं, पाकिस्तान से आई हैं, इंशाल्लाह उनको अगले व्लॉग में मिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, कल इंशाल्लाह नए वीडियो में मिलेंगे।